नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को 49वें स्थापना दिवस को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बेंगाबाद से हजारों की संख्या में टेम्पो बस में सवार होकर झंडा मैदान गिरिडीह के लिए कूच किए। इस मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष सह झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू उर्फ टाइगर, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, विपिन सिंह और राजेंद्र मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों वाहन का काफिला चल रहा था। इस मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष सह झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू उर्फ टाइगर ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जो बजट आम पेश की गई है वह काफी सराहनीय है। विपक्षियों को खल नहीं रहा है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अब इनकी बातों में झारखंड की जनता नहीं आने वाली है। कहा कि स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए बेंगाबाद से हजारों की संख्या में झंडा मैदान गिरिडीह में आहूत होने वाली स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नुनुराम किस्कू उर्फ टाइगर ने कहा कि झंडा मैदान गिरिडीह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन गांडे, विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आम जनताओं को संदेश देंगे। झारखंड की हर समस्याओं का निदान का शंखनाद होगा। झामुमो नेता विपिन सिंह ने कहा कि भव्य रैली को देखकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं। कहा कि हर साल की भांति इस साल भी हजारों की संख्या में स्थापना दिवस गिरिडीह में भाग लेने जा रहे हैं और इस स्थापना दिवस से ही शक्ति परीक्षा की ताकत दिखाई जाएगी। वही उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, सुरेश सिंह, राजेंद्र पंडित, जाकिर अंसारी, प्रेमचंद, रविदास ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। इसके पूर्व सामूहिक रूप से चंदन किस्कू को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। शुक्रवार 10 बजे से ही बेंगाबाद के धुमाडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जमावड़ा होने लगा था। ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप से बेंगाबाद चौक गुंजयमान हो रहा था। एक ओर सैकड़ों मोटरसाइकिल में सवार झामुमो जिंदाबाद और दूसरी ओर गुरुजी हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कार्यकर्ताओं में इतनी जोश और जुनून भरी हुई थी कि नजारा अजीबोगरीब था। 49वां झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस गिरिडीह को मनाने के लिए प्रखंड समिति बेंगाबाद का यह जन सैलाब गिरिडीह के लिए रवाना हो चुकी है। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, बेंगाबाद का यह जन सैलाब निश्चित रूप से हेमंत सोरेन सरकार का 2 वर्ष का उपलब्धि को बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस राज के जनमानस यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चित रूप से यहाँ के झारखंडी जन भावना के अनुरूप काम किए हैं, इसलिए आज इतना बड़ा जन सैलाब गिरिडीह के लिए रवाना हुई है। मैं उन विरोधियों के लिए बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो 2 दिन पहले झारखंड सरकार ने आम बजट पेश किया है, उस आम बजट को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति सराहती है और यह आम बजट पर देखे होंगे शिक्षा पर सबसे जोर दिए हैं, इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार को हम बधाई देते हैं। यह राज को आगे ले जाने का जवाबदेही हेमंत सोरेन ने लिया है, वो शिक्षा के माध्यम से उसको मात देंगे और आगे बढ़ाएंगे। अभी जो हमारे राज्य में जो सरकार है, झामुमो की सरकार है, इन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करके लोगों को इतनी लाभान्वित किया है कि लोग जो है सरकार की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। इस बार की आम बजट में लोगों को जो है 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पता चलता है कि ये जो है जमीन से जुड़ी सरकार है, गरीबों की सरकार है और ये हमेशा गरीबों के लिए काम करती रहेगी। प्रत्येक साल की तरह इन साल भी हम लोग सब तैयारी और चल रहे हैं और उसके बाद अपना सरकार का जो उपलब्धि है, अभी सबसे पहले शिक्षा के बारे में जो जैसे शिक्षा मंत्री बोले कि हम प्रत्येक सरकारी विद्यालय में स्कूल बस देंगे और 100 यूनिट किसानों को बिजली फ्री देंगे, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है।